रोमन रेस जल्द बनेंगे यूनिवर्सल चैंपियन, गोल्डबर्ग बोले जल्द लौटूंगा, रोंडा राउजी ने किया रॉ इन्वेजन पर कमेंट, साथ ही साथ आर्थर थारे अपनी चैंपियनशिप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की स्पीड में हम रोमन रेंस, रोंडा राउजी और गोल्डबर्ग जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों बात कर ली जाए एक अमेजिंग ऐप की, जो कि आपकी हेल्प करता है फाइल्स को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करने में। इस ऐप का नाम है काका शेयर ऐप। काका शेयर ऐप के सारे दोस्तों आप हॉटस्पॉट और वाईफाई के थ्रू डायरेक्ट फाइल्स को सेंड कर सकते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है दोस्तों कि इसमें ट्रांसफरिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ट्रांसफरिंग स्पीड की बात की जाए तो 4 Mbps से लेकर 10 Mbps तक स्पीड चली जाती है। वहीं बात की जाए रिसीवर की तो वो आप स्कैन करके भी रिसीव कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एडिशनल फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों आप लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप ऐप्स को डिफ्रेंशिएट करके भी रख सकते हैं, और इसमें आप YouTube भी एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया ऐप है, अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस सबसे पहली खबर जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिल गोल्डबर्ग से। तो गाइस गोल्डबर्ग ने कह दिया है कि वो जल्द अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो सभी जानते हैं कि गोल्डबर्ग का आखिरी मैच कब हुआ था। उनका आखिरी मैच समर स्लैम के राउंड हुआ था जहां डॉल्फ जिगलर को हराए थे, जिसके बाद से दोस्तों अभी तक हमने गोल्डबर्ग को नहीं देखा है फाइट करते हुए। और इस पर दोस्तों गोल्डबर्ग ने हाल ही में अपनी चुप्पी तोड़ी, उनसे सवाल किया स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड वालों ने कि जो कुछ समर स्लैम और सऊदी में हुआ उसका मतलब ये है कि आप रिटायर होने वाले हैं। जिस पर गोल्डबर्ग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, मैंने अपनी अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी है और इसे मेरी फेयरवेल से जोड़कर ना देखा जाए। इसके बाद दोस्तों उन्होंने आगे क्या कहा, वो आगे ये चीज बोले कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की रहेगी कि वो जल्द अपनी वापसी करे। तो गाइस गोल्डबर्ग की होने जा रही है वापसी, उन्होंने कन्फर्म्ड कर दिया और हम रख के चल सकते हैं कि रॉयल रंबल 2020 के अंदर वो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां दोस्तों काफी ज्यादा सरप्राइजेस होते हैं, तो उनमें से एक गोल्डबर्ग भी हो सकता है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है रोंडा राउजी से। तो रोंडा राउजी ने दोस्तों एक ऐसी चीज कर दी जो कि उनसे शायद एक्सपेक्ट नहीं की गई थी। रोंडा राउजी ने दोस्तों पक्ष ले लिया NXT वालों का। तो रोंडा के बारे में बता दूं, रोंडा दोस्तों हाल फिलहाल में अपने पति के साथ अपनी जिंदगी रहर बसर कर रही है। एक तरीके से दोस्तों उन्होंने छुट्टी ली है WWE वालों से, और इसी बीच दोस्तों जो कल अटैक किया NXT वालों ने, यानी कि खासकर दोस्तों फोर हॉर्स वुमन ने जो अटैक किया बेकी और शार्लेट के ऊपर रॉ की शुरुआत में, उसका पक्ष रोंडा ने लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर। वो इंस्टाग्राम के ऊपर दोस्तों ये वाली तस्वीर डाली जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है। वहीं दोस्तों कैप्शन में वो क्या चीज लिखी, वो लिखी कि इसे कहते हैं असली फोर हॉर्स वुमन, मुझे तुम चारों पर पूरा भरोसा है, जाओ NXT वालों रॉ वालों की तोड़ो, यानी कि सर्वाइवर सीरीज में अपना परचम लहराओ। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी बड़ी चीज़ उन्होंने कर दी। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी रोंडा से ऐसी, क्योंकि रोंडा खुद रॉ ब्रांड की है और उन्होंने रॉ ब्रांड के खिलाफ ही बात कह दी है। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं आज की अपनी तीसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस आज की हमारी जो तीसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है आर्थ्रूथ से, जो कि बीते कल या फिर कह लीजिए बीती रात अपनी चैंपियनशिप हार गए और जीते भी। तो इससे पिछली वाली वीडियो में, यानी कि द शील्ड वाली वीडियो में, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आर्थ्रूथ वालों ने कैसे अपनी चैंपियनशिप को जीता। लेकिन गाइस उसके बाद वो फिर से हार गए। हुआ क्या कि आर्थ्रूथ का एक सेगमेंट देखने को मिला है, जिसके अंदर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि आर्थ्रूथ का बैक स्टेज इंटरव्यू हो रहा होता है, और गाइस उसी बीच उन्हें आवाज आती है कि कोई उनके पीछे पड़ा है। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, उनका सर टकराता है दीवार में। तभी दोस्तों एक जबरौनी यानी कि एक एम्प्लॉई सा आता है और उनके ऊपर बिछ जाता है। वहीं रेफरी होता है कोर्ट में, वो कोट उतारता है और पिन कर देता है। वो एम्प्लॉई बन जाता है ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन। उसका बाद में नाम बताया जाता है माइक। उसके बाद दोस्तों वो जबरौनी क्या करता है, वहां से भाग खड़ा होता है। और क्या चीज देखने को मिलती है कि आगे जाकर WWE वालों ने 3 घंटे बाद एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसके अंदर आर्थ्रूथ ने वो चैंपियनशिप रिगेन कर ली। कैसे की वो भी बताता हूँ। दरअसल उस जबरौनी का दोस्तों बैकस्टेज इंटरव्यू हो रहा होता है, और इंटरव्यू इसलिए हो रहा होता है क्योंकि WWE वाले उसे साइन कर रहे होते हैं एज ए रेसलर, जहां उसे सिटअप्स लगाने को कहा जाता है। वो सिटअप्स लगा ही रहा होता है कि पीछे से आ जाते हैं आर्थ्रूथ, जो कि उसके मुंह के ऊपर डाल देते हैं तकिया और कर देते हैं उसकी पिन। तो यहां दोस्तों आर्थ्रूथ फिर से 24/7 चैंपियन बन गए। और गाइज मैंने अभी पता किया लगभग 23 बार वो चैंपियन बन चुके हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइज आज की हमारी जो मेन खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग
रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस बनने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियन। जी हाँ, आपने सही सुना, आज से लगभग 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि इस साल के अंत तक वो चैंपियन नहीं बनने वाले, लेकिन दोस्तों अब जल्द बनने वाले हैं और चीजें प्रीटी मच क्लियर है। दरअसल दोस्तों रोमन रेंस के रिगार्डिंग एक स्टोरी लाइन सजेस्ट हुई है। सजेस्ट क्या हुई है दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि ये चीज देखने को मिलने वाली है। 2 डिफरेंट सोर्सेस के मुताबिक रोमन रेंस रेसलमेनिया 36 में फेस करेंगे द फिंड को। तो गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की माने तो रोमन रेंस जो है वो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी ज्यादा ऐसे दिख रहे हैं कि वो अभी इससे लड़ेंगे फिर उससे लड़ेंगे, लेकिन गाइस इन द मीन टाइम उनके लिए एक बेहतर स्टोरी लाइन सजेस्ट हो चुकी है। और गाइस ये स्टोरी लाइन ये है कि उनका अभी उदय हो रहा है और रेसलमेनिया 36 में वो रिक्लेम करेंगे उस चैंपियनशिप को जो कि वो कभी हारे नहीं थे, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो कि ब्लू कलर की हो चुकी है। वहीं बात की जाए फिंड की, तो फिंड दोस्तों एक बिगर ओपोनेंट बनाए जा रहे हैं उनके लिए। आप जानते हैं कि फिंड ने सेथ रॉलिंस को कितने बुरे तरीके से हराया और यही दोस्तों हाल फिलहाल में डेनियल ब्रायन के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं बात की जाए फिंड के इस कैरेक्टर की, तो हाँ ये अनडिफीटेड तो लग रहा है, लेकिन गाइस रोमन रेंस ने बड़े बड़े ओपोनेंट्स को हराया और रेसलमेनिया 36 में वो मादा रखते हैं फिंड को हराने का। आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस फिंड को हराकर चैंपियन बन पाएंगे कि नहीं, या फिर वो मादा नहीं रखते हैं? कमेंट करके बताएगा जरूर। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ बधाई।